अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रेकिंग बैरियर्स। मेरा नाम डॉक्टर अकरम अली, माय ट्रस्टी अल अंसार ट्रस्ट का, और मेरे साथ हैं हारून। हारून सलाम अलैकुम। हारून भी ट्रस्टी हैं अल अंसार ग्रुप में और बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। और हमारे साथ आज एक नए गेस्ट हैं सैयद साजिद हुसैन। सैयद साजिद हुसैन सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट। सैयद साजिद हुसैन फॉर्मर ECO हैं, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर इन द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। इनको 17 साल की एक्सपीरियंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और ये मुख्तलिफ जगह काम करके इनका तजुर्बा है कि कैसे एजुकेशन को बुनियादी लेवल पर इम्प्रूव किया जाए, कैसे तालीम को और कुव्वत दी जाए। तो आज हम इनसे बात करते हैं, दोनों को वेलकम वंस अगेन। तो मैं सबसे पहले इस बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ, शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ कि हमारा मेन जो एजेंडा है या मेन जो हमारा फोकस है वो हमारे ड्रॉप आउट रेट्स हैं प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी और हाई स्कूल में। जो हम जिन मोहल्लों में काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने देखा है कि तकरीबन 90% लड़के लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो जाते हैं 10वीं क्लास से पहले। और हमारे ट्रस्ट का एक बुनियादी उसूल भी यह है कि कम से कम, चाहे कोई काम करे या ना करे, चाहे कोई भी ज़िंदगी में करे, लेकिन हर एक को 10th स्टैंडर्ड तो पढ़ना चाहिए, मैट्रिकुलेशन तक तो उसको एजुकेशन होना चाहिए। ये भी बहुत एक बड़ा एम लग रहा है अभी, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा हारून भाई से। हारून, आपको तो पता है कि हमारे जो हम जो मोहल्ले में काम कर रहे हैं वहाँ पे इतना हाई ड्रॉप आउट रेट है, और दूसरे मोहल्लों में भी हमने देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट रेट हाई ही है, 90% नहीं हो तो भी 70% तो रहेगा, तो इससे कोई बहुत वो भी कोई तारीफ के काबिल बात नहीं है। तो इसको एड्रेस करने के लिए पहले हमें जानना चाहिए कि ये ड्रॉप आउट रेट की वजह से हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। तो ड्रॉप आउट्स एनीवेयर फ्रॉम 4वीं 5वीं से लेकर 10th तक भी कहीं पर भी ड्रॉप आउट हो सकते हैं। 10th पढ़ने के बाद भी लोग आगे पढ़ते नहीं, तो ख़ासतौर से लड़कों में ये बहुत आम आजकल दिखने को मिलता है। हमारे सर्वेज में हमें एक चीज़ एक रकम का एक पैटर्न दिखता है ख़ासतौर से लड़कों में। वो बहुत जल्द ऐसी सोहबत में आ जाती हैं कि कुछ लत में पड़ जाती हैं, कोई एडिक्शन में पड़ जा रहा है, कोई बुरी आदतों में पड़ जा रहा है। तो एक दूसरे का जो वो जो पीयर प्रेशर बोलती ना, हम जो एक दूसरे के दोस्त हैं उनके दोस्त हैं, तो वो दोस्त क्या कर रहे हैं, वो जाको कहीं नशा कर रही हैं, तो इन्हें भी जाकर स्कूल छोड़ के वो काम पे लग जाता है। और दूसरी बात हमें देखे क्या कि ये जो बच्चे जो हमारे लत में पड़ गए तो छोड़ रहे हैं क्यों स्कूल, क्योंकि उनको अब वो लत पूरी करने या वो नशा पूरा करने उनको पैसे होना, अब हैं गरीब घरों से आती हैं तो इनके पास पैसे नहीं होते। अब वो पैसे पूरा करने के वास्ते उन्हें क्या करती, स्कूल छोड़ कर जाकर काम को लग जाती। एंड जब काम को लगती हैं वो ऐसे वर्कशॉप्स में या मैकेनिक के पास एक हेल्पर की तरह या कोई वर्कशॉप में वेल्डिंग वर्कशॉप में हेल्पर की तरह जाके जम जाती। एंड वहाँ उनको मिलती दिन के 50-60 रुपये शुरू में, जब तक वो अच्छा काम नहीं सीख जाता तब तक, तो वो काफ़ी है इनके लिए। घर में भी उनको पूछने की ज़रूरत नहीं, और घर वाले भी क्या घर में क्या बोलते हैं, अरे नहीं क्या हमें कितना बोले तो भी सुनता नहीं बच्चा, उन्हें चलेगा कितना मारे को तो भी सुनता नहीं, छोड़ो हमें भी उसे काम पर डाला ले उसके वास्ते करको। इट इज़ द सिमिलर पैटर्न एवरीवेयर। तो उसमें क्या हो रहा है, वॉट वी सी इज ये सोशल मॉरल डिग्रेडेशन हो जा रहा है सोसाइटी में। क्या है, एक रकम के एक उसूल करने की चीज़ नहीं है आज, वो अच्छी नीयत का तिना वो है ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाओ, कैसा तुम्हें कमाओ, झूठ बोल कर कमाओ या चोरी कर कर कमाओ, तो ये बहुत ज़्यादा आज लड़कों में दिखने को मिल रहा है। इससे इसमें और एक चीज़ क्या हो रही है कि ये चोरी, छोटी मोटी चोरी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। तो इसके साथ और स्कूल सिर्फ पढ़ाई के वास्ते तो है नहीं, साथ ही साथ मॉरल एजुकेशन भी मिलता है उधर, उस्ताद हैं उधर, उस्ताद को देखकर यू इतना बहुत सारे
क्या है अच्छी बातें सीख सकते हैं उधर, बट योर बच्चों में वो उस सब चीज़ों से महरूम हो जाती हैं, वो ना घर में कुछ सीख रही ना कुछ नहीं सीख रही, स्कूल में भी कुछ सीख रही नहीं, तो दे आर अल्टीमेटली बिकम लायबिलिटी जो बोलते हैं ना, जैसे एक बोझ बन जा रहे हैं वो। और ये नुकसान तो लड़कों में तो हैं ही, तो अब उनके घरों में क्या नुकसान होते हैं, उनके लड़कियों में भी होते हैं और घर में माओ पे, बाप पे, सोसाइटी पे, ये मेन स्ट्रीम में होते नहीं है, मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं स्लोली, तो उनमें क्या क्या नुकसान होते हैं, जो फीमेल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उन पे क्या असरात हैं इसके? हाँ, अप टू 8वीं 10वीं तक तो कैसा भी पढ़ लेती लड़कियों को भेज देती पढ़ाने, उसके बाद अक्सर क्या होता है लड़कियों को जल्दी शादी करके दे देती, अभी 10वीं भी पास होकर नहीं रहती होते में उसका निकाह करा देती, और वो तब उसके अलग बहुत सारे एक लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और दूसरे भी बहुत सारे इश्यूज खड़े हो सकते हैं उसमें। दूसरी बात क्या है, हमारे जो अभी साजिद सर भी ऐसे कई केसेस हो जाते हैं बिफोर 18 साल के पहले शादी हो जाती है लड़की की, बाद में जब प्रेग्नेंट होती है वो जब डिलीवरी को जाती है तब उसके ऊपर मेडिको लीगल केस हो जाता है, होने के बाद उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे दोनों फैमिलीज लड़के लड़की के दोनों फैमिलीज इसकी गिरफ्त में आ जाती हैं। हाँ, एक कानूनी चक्कर में आ जाते हैं, कानूनी चक्कर में आ जाती हैं। या साजिद साहब अच्छा जानती हैं इसके बारे में, साजिद साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं अरुण भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जो कानूनी जो ये है वो 100% बराबर है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से खुद देख चुका हूं, जब मैं इंचार्ज हचम था तो मेरे पास ऐसा पुलिस के केस आते थे 18 साल से कम उम्र के अगर है तो लड़का और लड़की दो को भी अरेस्ट का कानून है, तो बहुत से ऐसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, मुझे अफसोस भी होता है हमारे कौम पर, ये तालीम से दूरी ही इनका ये ऐसा मुकद्दर बन रही है इनका। तो एक तो उन्होंने स्कूल से भी ड्रॉप आउट हो रही हैं और कानून के चक्कर में भी पड़ जा रही हैं, और जो बिल्कुल सरासर गलत है इसे हमें करना नहीं चाहिए, और हमें कम्युनिटी में ये बात फैलाना भी चाहिए कि ये कुछ भी हो जाए कानून के खिलाफ कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो नशे की सूरत में हो, चाहे वो शादी ब्याह की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी सूरत हो, विथ इन द लॉ हमारी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। सबसे बड़ी खामी हमारी जो कम्युनिटी की जो है, जो कैपेबिलिटीज हमें जो मिलना हासिल होना करना था हमें, वो उससे महरूम हो गई कम्युनिटी मोस्ट ऑफ देम, जैसे कि अब जितने भी इंजीनियर डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल बन रहे हैं दैट इज स्टिल बहुत बहुत कम है, वो कंपेयर टू दी टोटल पॉपुलेशन ये बहुत कम है, लेस देन 10% हमारे लोग आगे डिग्री पढ़ रहे हैं, सो 90% कहाँ जा रही है, 90% पूरे ऐसे बैड एप्पल्स ही हो रही हैं उसमें, पूरे नहीं बट बहुत सारे लोग वो उसमें क्या होता है उनको, क्योंकि एक हलाल रोजी कमाने का एक अच्छा काम कर एक हुनर सीख कर एक एबिलिटी पाकर उसमें काम करने का मौका उन्होंने गंवा देती हैं पढ़ने ड्रॉप आउट होने की वजह से, अभी उनके पास बचा क्या है, बहुत कम स्कोप है उनको कुछ काम करने का। हाँ, बेसिकली उन्हों क्या है मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, मीडिया हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, बैंकिंग हो, या जो भी मेन स्ट्रीम में जो चलता है, जहाँ पे उनका प्रोग्रेस है, उनकी तरक्की है, उससे वो महरूम हो जाते हैं, और वो नीचे से नीचे, अब एक बार नीचे आने से अगला कदम और नीचे ही जाता है, उससे अगला कदम और नीचे ही जाता है, तो ये नुकसान देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद तो शायद उनकी हेल्थ भी उस पर इफेक्ट हो जाती है। फाइनेंस, यू कैन कनेक्ट ऑल द जिंदगी के जो भी शोबे हैं जो भी कुछ भी है जिंदगी का लेना देना जिससे भी है, वो पूरा कम्स बैक टू एजुकेशन आज के ज़माने में। आज के बच्चों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाहर के हालात क्या हैं, बाहर क्या हो रहा है, हमारे कौम में क्या हो रहा है, हमारे कौम इतने पीछे क्यों जा रही है, उन्हें क्या भी मालूम नहीं है, इसकी वजह क्या कहते हो, तालीम से दूरी, एजुकेशन से दूरी, इल्म से दूरी, और यही बदहाली का हमारा सबब बन रही है। इससे बदहाली को दूर करने के लिए बहुत से एनजीओज भी आए, बहुत से एनजीओज आए, लेकिन एक बेहतरीन एनजीओ जो है हमारे उर्दू स्कूलों की तरफ या गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ, चाहे वो करना हो
चाहे वो उर्दू हो, उन्होंने एक बेहतरीन इकदाम उठाया। क्यों उठाया? जाकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर स्कूल्स में क्या चल रहा है, बाकायदा स्कूल जाकर विज़िट किए। विज़िट होने के बाद वहाँ पर टीचर्स की तादाद कितनी है, बच्चों की तादाद कितनी है, माहौल क्या है वहाँ का, उन्होंने बिल्कुल सामने से उनके विज़िट करके एक लाहेमल तैयार किया उनके लिए। तैयार करने के बाद एक कुछ साथियों के साथ मिलकर एक संजीदा गौर फिक्र करने के बाद उन्होंने एक फैसले पर आए कि यहाँ पर असातिज़ा की कमी है, यहाँ पर असातिज़ा की किल्लत है, इसको कैसे दूर किया जाए। उन्होंने एक बेड़ा उठाया, काबिले रश्क हैं, काबिले तहसीन हैं, अल अंसार ट्रस्ट के चेयरमैन साहब और तमाम मेम्बरान जो है, उन्होंने स्कूल्स के लिए टीचर्स की फ्राहमी की। वहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा जो घटता हुआ मियार जो है वह आगे बढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। लेकिन अब माशाल्लाह ऐसा हाल है कि बेंगलुरु साउथ में जितने भी उर्दू मदारिस हैं, चाहे वो कर्णा के गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो, वहाँ पर जैसे ही टीचर्स की कमी होती है, अल अंसार अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और वहाँ पर टीचर्स की कमी को पूरे करते हुए बाकायदा जो स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस है उसी के तहत जो है उन टीचर्स को अपॉइंट करके आगे की तरफ, तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। ये काबिल तहसीन है और काबिल रश्क है हमारे लिए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, मैं इनके लिए कहूँगा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने जहाँ और भी हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ साजिद हुसैन साहब से दोबारा वापस आके कि ये जो असातिज़ा की कमी है, टीचर्स की कमी है, ये किस वजह से है गवर्नमेंट स्कूल्स में? देखो, मैं जब ECO था तब 618 टीचर्स थे, 2009-2010 की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ बेंगलोर की बात कर, बेंगलोर साउथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेंगलोर साउथ की, मैं जहाँ पर मेरा ड्यूरेशन जो था उसी ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। जब मैं 2020 में वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, ये तादाद 358 तक आके रुकी। एक तो ये टीचर्स ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे ये रिटायर्ड हो गए, और बहुत से टीचर्स कोविड की वजह से इंतकाल भी हो गया। वो टीचर्स जो है वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ इनका, और बाहर से टीचर्स यहाँ पर आके ट्रांसफ़र नहीं लिए, इसीलिए टीचर्स की कमी हो गई। उस कम से कम ये कब से चल रहा है, ये 2014 से 2015 से चल रहा है, तब से कमी है ये। इस कमी को पूरा करने के लिए ना हुकूमतें आगे आई, ना उर्दू स्कूल्स की बखा के लिए कोई सामने आए। बट साजिद साहब, आपको नहीं लगता कि ये हमारी गवर्नमेंट का जो एजुकेशन जो बजट है वो भी नाकाफ़ी है? वो बजट में कमी की वजह से आज सोच रही सो टीचर रखना नहीं रखना कर ले को सवाल। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास बजट तो बहुत ज़्यादा है, ये जो खाली वैकेंसीज जो हैं वो सही तौर पर हुकूमत तक नहीं जा रहे हैं। अच्छा, या तो टीचर्स ये बच्चों की कमी बताकर उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, या तो टीचर्स बराबर हैं बल्कि रेशियो के हिसाब से बराबर हैं कि वो बराबर किया जा रहा है, लेकिन बदहाली ये है तो बहुत से स्कूल्स में टीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। मैं मिसाल देना चाहूँगा, मैं नील संद्रा की, मैं जब वहाँ इंचार्ज जचम था तो वहाँ पर कोई गवर्नमेंट से कोई टीचर नहीं थे, डेप्टेशन पर मैं एक था। अल अंसार वाले ट्रस्ट वालों से मैंने जाकर उनसे गुजारिश की तो तब उन्होंने जाकर वहाँ पर 5 टीचर्स मुझे दिए। वो 5 टीचर्स करीब 2-3 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर। अब परसों हाल ही में 2 टीचर्स आए वहाँ पर गवर्नमेंट से। 2 टीचर्स क्या ये हाई स्कूल के लिए काफ़ी हैं? ऑल सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं क्या वो? जबकि कम से कम 7 या 8 टीचर्स होना चाहिए था। वैसे यहाँ पर टीचर्स नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र होकर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये टीचर्स का लेना, टीचर्स का अलंसार ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर उनको अपॉइंट करना, मैं समझता हूँ कि 100% दुरुस्त है हमारे कौम के लिए और उन बच्चों के लिए, स्टडीज़ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। और हारून भाई, ये टीचर्स के अलावा, ये हो गया टीचर्स की बात, टीचर्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें बहुत सारे वजूहात हैं, तो टीचर्स के अलावा और क्या क्या हम कर सकते हैं? अल अंसार ट्रस्ट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ऐसा ही कुछ है कि दे वांट पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, तो दे वांट इंडिविजुअल्स और एनजीओज और
इन्फ्लुएंशियल पीपल और रिसोर्सफुल पीपल टू कम एंड जॉइन हैंड्स विद द लोकल गवर्नमेंट स्कूल को आपको तुम्हें क्या होना किसी भी तरह से आप सपोर्ट कर सकती। या कोई कोई लाइट फैन लगा दिया, कोई बेंचेस ला के दे दिया, कोई कुछ बैग्स दे दिया, कोई टॉयलेट फैसिलिटी बनाकर अच्छी बनाकर दे दिया, तो दे आर ओपन फॉर एनीबडी टू कम, आके आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने भी ऐसे ही कुछ अप्रोच लिया था। जब हमने जाके देखा तो अक्सर क्या बोलते थे पहले HMs और टीचर्स, हमना फैना नहीं, हमना टेबला नहीं, हमना बेंचा नहीं। बट हमने सबसे पहले जो कमी जो सबसे ज़्यादा महसूस होती थी वो टीचर्स की होती थी। अब वो वहाँ अगर एक कन्नड़ा टीचर नहीं है तो एक उर्दू स्कूल में कन्नड़ा टीचर नहीं है तो उसे कन्नड़ा सीखने का मौका नहीं मिलता बच्चे को। अब उन्हें थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कन्नड़ा सीखा नहीं कर तो उन्हें हाई स्कूल को गया तो क्या सब सीखेंगे, क्या लिखेंगा, कुछ नहीं कर सकता। तो हमने सोचा सबसे इम्पॉर्टेंट है सो यहाँ पहले टीचर के फराम करो, उसके बाद टीचर एक बार सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स आ गए तब जाके जो भी मदद करना है, बुक्स देना है। साल के शुरू में बुक्स देते हैं, बहुत गरीब बच्चे जो हैं जो बुक्स लेते नहीं या माँ बाप उनके दिलाते नहीं बुक्स, उनको हमें बुक्स देती हैं। दूसरी बात हुई इसके फर्नीचर की, बेंचेस डेस्क वगैरह वो फरामद करती हैं। उसके बाद ऐसे ही छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम्स होती हैं एंड बहुत एक बहुत अच्छी चीज़ हमना जो देखने को मिली वो है इनकी जो कल्चरल प्रोग्राम्स होती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होती हैं प्रतिभा करण जी के नाम से होती हैं, वो उसमें बहुत सारा टैलेंट है, हमारे बच्चों में भी बहुत सारा टैलेंट है। तो हमारे तरफ से भी स्पॉन्सर प्राइजेस और ये प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए हम भी मदद करते हैं। यहाँ के जो लोकल CRPs हैं, HMs हैं, टीचर्स जो मिलकर ये एक टीम बनाकर ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हम भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं उनकी। ये अभी हारून भाई ने बताया कि प्रतिभा कारण जी के जरिए बच्चों का टैलेंट फंड होता होगा। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, खासकर हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सही बात है, टैलेंट की कमी नहीं है, इतने टैलेंटेड हैं बच्चे, इतने टैलेंटेड हैं। अगर उनको कोई काम दिया जाए, सही तौर पर उनको बता दिया जाए तो वो कर सकते हैं। ये खाली में एक बच्चे को हमने चंद्रयान के मुतलक परसों ये हुआ तो बच्चे को बोले मैं चंद्रयान के तल्लुक से क्या तभी बना, बोले तो बच्चा दो दिन के बाद वो पूरा हूबहू चंद्रयान का पूरा स्टैच ये ले लेकर आ गया, मॉडल ले लेकर आया और बता रहा है वो हमें। ताजुब हुआ मुझे, एक इसका बच्चा जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल का गरीब बच्चा जिसके पास कोई ये नहीं है, बच्चे उसके माँ बाप ऑटो चला रहे हैं या मैकेनिक शॉप में काम कर रहे हैं, कोई बहुत अमीर नहीं है, वो बच्चा इतना टैलेंट, वो एक ही नहीं है। दुख यही बात का है, अपना दुख क्या है, जो ऐसे जो टैलेंट्स हैं ये एक इसके क्या है कली की मिसाल ले, ये खिलने के पहले से उसको बुझा डाल रही है हमें। इसके लिए क्या होना तो चाहिए, इनको हमें एक वो सही एनवायरनमेंट देना, सही माहौल देना। इसके लिए क्या होना चाहिए, तो ऐसे ट्रस्ट जो हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी जो है हमें हर हालत में मदद करना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी भी सूरत में मदद करे तो इनका जो ये जो मोटिव जो ये है उनका है। ये है उनका और भी बढ़ता, और भी काम करने का मौका मिलता। परसों बता रहे थे ये पूरे बेंगलोर में हम करेंगे, नॉर्थ में करेंगे, नॉर्थ से बाहर जाकर भी करेंगे, यादगिर में करेंगे, रायचूर में करेंगे। इसके लिए कोई फंड्स की ज़रूरत होती है, तो ये हमें हमारे अमीर तबका जो है या कोई डोनर्स तबका है आगे कदम आगे आलनसार ट्रस्ट से अगर हाथ मिलाए तो पूरी रियासत में एक मिसाली एक मॉडल बन सकते हैं हमें, और हमारे बच्चों की तरक्की, ये जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम बाहर ला सकते हैं। कि ये मेरा अपनी जाती राय है। ये मैं इस और एक पहलू इसका मैं लाना चाहता हूँ। ये तो हमने कर दिया अलंसार ने और स्कूल्स उनका काम कर रहे हैं, आगे मैं ले जाना चाहता हूँ कि घर वाले उनके माँ बाप भी तो मदद करें बच्चों की, क्योंकि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, इसमें होम जो है होम और स्कूल पार्टनरशिप भी है। तो ये होम के बगैर जो है ये पार्टनरशिप अधूरी है, और ज़्यादातर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, तो इनके लिए क्या क्या रिसोर्सेस हैं और ये कैसे बढ़कर अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और कैसे बच्चों को हेल्प करें। जी, बहुत अच्छा ये टॉपिक आपने सवाल किया, इस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी हम सर्वे जाते हैं जो मोहल्लों में, अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे बच्चे बहुत सारे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, यानी उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं रहते, तो
इन बच्चों को पढ़ाना ये माँ बाप बहुत मुश्किल समझते हैं। हमें पढ़े नहीं भैया, हमें कैसा पढ़ेंगे हमारे बच्चों को। और इसी पिछले वेकेशन में, समर वेकेशन में हमने सर्वे भी किया था, तो इसमें पता चला कि मोर देन 50% बच्चे ट्यूशन जाती, प्राइवेट ट्यूशंस को स्कूल के बाद, घर को आने के बाद। गवर्नमेंट स्कूल का ही रंधे, उन्हें गरीब घर का भी रंधे, उसे तो माँ को बहुत दर्द है, वो चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े और अच्छा बने, मगर उसको क्या है, मालूमात नहीं है, उसको डर है कि रकम का, मैं कैसा पढ़ाऊँ कर को। उन्हें क्या करती है, 500 रुपये कहते हैं मुश्किल पढ़ को, मेहनत कर को, 500 रुपये महीने के, 1000 रुपये महीने के देखो, बच्चे को ट्यूशन को भेजती है। वहाँ ट्यूशन में भी उनको क्या भी ज़्यादा अच्छा कुछ क्वालिटी नहीं है, उधर होमवर्क करा देती भेज देती, माँ क्या समझते हैं बहुत अच्छा हो रहा है कर को, बट हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा यहाँ क्या करना, माँ बाप जो है घर में, उन्हों खुद इसकी जिम्मेदारी उठाना। जब तक हम खुद हमारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाते नहीं, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। माहौल, हमें जो माहौल घर में दे रखती, वो माहौल बहुत मायने रखता है बच्चे के डेवलपमेंट में आगे। तो माँ बाप के बारे में जब ये क्वेश्चन आया कि क्यों नहीं पढ़ाते आप, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि गवर्नमेंट से आज बहुत बहुत ज़्यादा सहूलत है, टेक्नोलॉजी के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जब पढ़ रहे थे ये सब नहीं थे सहूलत, मगर आज के ज़माने में बहुत अच्छी सहूलत है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, अब ये है इंग्लिश की फिफ्थ स्टैंडर्ड की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, आप देख सकते हैं QR कोड है। अब गवर्नमेंट ने तो इतना आसान कर दिया है अभी कि अगर आप कोई लेसन खोलते, जैसा एक लेसन है ये द चाइल्ड हु सेव्ड द फॉरेस्ट, उसका QR कोड है। अगर आप गूगल लेंस खोलें या गूगल क्रोम खोलकर आपका QR कोड स्कैनर खोलकर इसे स्कैन करेंगे, तो इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट को ले जाता है। या अगर आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल भी नहीं रहे, उसमें आपका पूरा लेसन साफ तौर पर एक्सप्लेन किया कर को रहती, लेसन एक्सप्लेन भी कर को रहती और तुम ना वर्कबुक भी देख को रहती, उसमें रिसोर्सेस, दूसरे रिसोर्सेस भी देख कर रहती। अगर वो भी नहीं खुल रहा है तो आप सिर्फ यूट्यूब खोलिए, आपका यूट्यूब में आप सिर्फ इतना बोलो, अगर टाइप करने नहीं आ रहा है तो भी आप सिर्फ उसका जो ऑडियो का जो बटन है वो बटन दबा कर द चाइल्ड हु सेव द फॉरेस्ट करके स्टैंडर्ड फिफ्थ लेसन करके डाले, तो उन्हें पूरा लेसन यूट्यूब में पूरा विथ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर डालती। इसमें दोनों माँ और बच्चा बैठकर सीख सकती, माँ भी सीख लेते दिखाते माँ खुद सीख लेते। बहुत अच्छा है। तो इसका ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, एंड ये इट इज देयर ओनली इन गवर्नमेंट बुक्स, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स। आपको ये प्राइवेट स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स में दिखता नहीं है अभी, है तो भी आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स में, हर टेक्स्ट बुक में फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ हर टेक्स्ट बुक में है ये QR कोड, एंड हर लेसन यूट्यूब पर है। तो तुम्हें एक्चुअली देखे तो बच्चों को ट्यूशन भेजने की जरूरत ही नहीं, आपके वो 500-1000 रुपए भी बच जाती और घर बैठे बच्चा सीख सकता। घर बैठे बच्चा सीख सकता है। आज के माहौल में निगरानी करना बहुत जरूरी है बच्चों की, क्योंकि आज माहौल ऐसा खराब है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, बच्चों को छोड़ डाले तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्कूल के बाद जब घर को आ जाता है माँ या बाप कोई बच्चे के साथ एटलीस्ट 1 घंटा गुजारना बहुत जरूरी है ये आज के माहौल में। एक तो ये वालिदैन जो है बहुत गरीब होते हैं, पहली बार गरीब होते हैं, उनके खुद के लिए वक्त नहीं है, कहीं काम पर जाते हैं, शाम में थके हारे आते हैं, बाद वो बच्चों को नहीं देख सकते। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वालिदैन से इस चैनल के ज़रिए बच्चों को, जैसा हारून भाई ने बताया कि कम से कम 1 घंटा उनके लिए अपना खुद का वक्त दो। बच्चों को वो क्या किए दिन भर, अगर पढ़ना नहीं आता है, पढ़ाना भी नहीं आता है, तो QR कोड उन्होंने बताया कि उस पर अमल करें। अगर नहीं आता तो कम से कम हमदर्दी से बात करें बच्चे से, स्कूल में गया क्या किया बच्चा, अगर करें तो बच्चे को हौसला मिलता। बहुत अच्छी बात की है हारून भाई आपने, बहुत
तो ये एक्टिव पेरेंटिंग में आता है, एक्टिव होना चाहिए, पैसिव पेरेंटिंग में कभी स्कूल के हवाले कर दिया, कभी ट्यूशन के हवाले कर दिया, ये होना चाहिए। अक्सर हमारे जो मोहल्लों में हमने जो सर्वे जब भी करते हैं देखा है कि माँ बाप को कुछ आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते। वो क्या समझ रहे हैं, अभी कोई माँ बाप किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल को भेज रहा है, छोटी मोटी जो मोहल्लों में छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं आजकल, तो वो प्राइवेट स्कूल को भेज रहा है, तो वो यूनिफॉर्म डालकर, टाई डालकर, लंच बैग वगैरह देकर माँ खुशी खुशी भेजती है उसको इनिशियल प्राइमरी ईयर से, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में। एंड जब एंड माँ खुश है कि चलो मेरा बच्चा अच्छी इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी घर को, मगर वहाँ भी पढ़ाई नहीं हो रही है ऐसे मोहल्लों में कहीं पर भी, क्योंकि क्वालिटी टीचर्स नहीं है उनके पास। अब वापस जब वो वही बच्चा जब सेवेंथ एट्थ को पहुंचता है और उसको कुछ दिमाग में है नहीं, उसके कुछ उसका फाउंडेशन सही नहीं है, एंड फाइनली जाके जब वो माँ बाप को बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं है आगे, उनको एक शॉक जैसा होता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी मेहनत कर कर बच्चे को फीस 25-30 हज़ार रुपये साल कर बनकर संगे से पैसा उठाकर यहाँ स्कूल को भेज नहीं पढ़ाने, अब यहाँ सडन है आपको बच्चा बोला कहते तो, नहीं मुझे आप पढ़ना इंटरेस्ट नहीं, मैं काम को जाता हूँ, तो उनको शॉक जैसा होता है। एंड क्या मैं क्या कर डाली तुझे, मैं पूरा पूछे सभी दी तुझे, मैं पूछे सभ्य करे मैं तुझे घर को, बाबा अम्मा जो ने भी रोले को बैठती, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आती, क्या करना बोलो। मैं बोला अब तुम्हें आए तो फायदा नहीं, बहुत देर हो गई, अब ये तुम्हें काम प्राइमरी से करना था। सो बच्चा जब स्कूल को जा रहा है वहाँ जाकर टीचर को, जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, आप साजिद साहब को पूछो गवर्नमेंट स्कूल में जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है कितने पेरेंट आ जाती हैं, 500 बच्चे पढ़े तो 5 पेरेंट आ नहीं आते हों। नहीं नहीं बहुत कमी, बहुत कम आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं तो हमने काम आ जाना, हमारा वक्त नहीं है बोलते हैं, अगर खाली उन्हें अगर वक्त दिए तो बच्चे कहाँ की जाते हैं, उनको इसकी अहमियत उनकी मालूम नहीं है। एक घंटा दो घंटा उन्होंने वक्त निकाल को ले लगा को यहाँ आए तो इसमें उनको बहुत सारा फायदा हो सकता है, बच्चों को बहुत फायदा होता है, बट उसकी अहमियत है नहीं ना माँ बाप में है और ना ही बच्चों में भी, क्योंकि उनको एक मेंटर कर को नहीं है, गाइड कर को नहीं है, हाथ पकड़ कर कोई उनको बुलाकर समझाने वाला कोई नहीं है, तो ये सब चीज़ों की बहुत कमी है हमारे कम्युनिटी में, स्पेशली ये जो गरीब स्लम्स में मोहल्लों में। अलंसर ट्रस्ट जो है एक और एक काबिल कदर इनका इकदाम क्या है कि तो ये ड्रॉप आउट के ऊपर बहुत तवज्जा देते हैं, जैसे ही स्कूल्स के छुट्टियां होते हैं चाहे वो समर हॉलीडेज हो या दसरा हॉलीडेज हो, जो इनके अपॉइंट करदा जो टीचर्स हैं उन्हें एक फॉर्मेट दिया जाता है, उस फॉर्मेट में बच्चा पर कहाँ जा रहा है, कौन सी क्लास पढ़ रहा है, अगर स्कूल छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया है, उसको फिर वापस लाना स्कूल की तरफ ले कर आ रहे हैं। ये बहुत काबिल तारीफ़ है हारून भाई, बहुत काबिल तारीफ़ है। ऐसा काम करने से क्या होगा तो हमारे कौम में जो ड्रॉप आउट है 90% अब जो चल रहा है हमारा सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों में 600, वो ड्रॉप आउट की कमी हो गई आपकी वजह से। बहुत काबिल तहसीन काम है आपका, बहुत ही बेहतरीन काम है जो आपके अपॉइंट करदा जो प्राइवेट टीचर जो हैं अलंसार ट्रस्ट की तरफ से वो घर घर जाते हैं। मैं भी कई बार उनके साथ घर गया, देखा तो मुझे एक हल्की सी खुशी महसूस हुई मुझे, हमें गवर्नमेंट के टीचर्स होने के बावजूद इतने बड़े बड़े तनख्वाह लेने के बावजूद जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता हमें घर आते थे, मुझे एक दिलचस्पी पैदा हो गई, मुझे एक अच्छा लगने लगा उन टीचर्स के साथ, मैं भी जाकर वो ड्रॉप आउट बच्चा से मैं भी सवालत करके उन्हें खींचने की कोशिश करें। ये बहुत तारीफ़ के काबिल है हारून भाई आपका काम। ये मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हम जो भी काम करते हैं अलंसार ट्रस्ट में, ये हमें हमारा बेस होना चाहिए एक डेटा, पहले हमें ग्राउंड रियलिटी पता होने चाहिए, ये नहीं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए डेटा होना चाहिए, डेटा होने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस होना चाहिए, और फिर दोबारा डेटा होना चाहिए कि ये और उस लूप को क्लोज करना चाहिए कि ये इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, या इसमें और कुछ एडिशन करना है या नहीं करना है। हमें चुप अच्छा काम बोल के कुछ भी करते रहे तो उसका नतीजा नहीं आता, तो एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, एक डेटा बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है कौम के हमदर्द हैं वो इनका साथ दें तो और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, वो जो गरीब बच्चे हैं जो इससे हमारे इससे बिछड़ के दूर जा रहे हैं उन बच्चों को हम खींच सकते हैं। एक शेर है अल्लामा इकबाल का, खुदी को कर बुलंद इतना
खुद ही को कर बुलंद इतना कह तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस ढब पर इस जज्बे से हमें काम करना चाहिए, जज्बा बिलाली होना चाहिए हमें, हमें साथ साथ हमें कौम के हमदर्दन भी चाहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर जुड़े तो इंशाल्लाह मैं बड़े इसके साथ कहूँगा ये कम से कम हमारा ड्रॉप आउट जो है वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई और साजिद हुसैन साहब हमारे साथ आकर और अपने ख्यालात को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आप ये बातों पे ज़रूर अमल करेंगे और इसे आगे भी ले जाने की कोशिश अल अंसार ट्रस्ट की पहले भी रही है और हमेशा से रहेगी। और हमें उम्मीद है कि हमें लोगों का, हर कम्युनिटी का और हर तबके का साथ भी मिलेगा इसमें। और हम इस ब्रेकिंग बैरियर्स पॉडकास्ट के ज़रिए हम इनवाइट भी करते हैं, हम लोगों को एक न्योता भी देते हैं कि आए हमारे साथ, देखें हमारा काम क्या है, हमें विज़िट भी करें। हमारा वेबसाइट है www.alansar.in, इस पर जाकर और मज़ीद मालूमात हासिल करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।